हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक। करियर टॉक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक ये एक नई इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो कि डिफरेंट करियर सेक्टर्स में अपना करियर देख रहे हैं। और आज एक बहुत ख़ास टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। वो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सीनियर, मेरे बड़े भाई और जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील फारूक खान साहब। डॉक्टर फारूक खान, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच तकी। और फारूक भाई को आप जानते होंगे, टीवी डिबेट पे ये चेहरा रहते हैं और अपनी बात को बहुत मजबूती से आगे रखते हैं, और फॉर मी ही इज वन ऑफ द आर्टिकुलेट लॉयर इन आवर कंट्री और जबरदस्त स्पीकर हैं। अपने जमाने के इलेक्शन भी लड़ा करते थे और जीता भी करते थे यूनिवर्सिटी के जमाने में, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले फारूक भाई, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है आपकी, तो शुरुआत में बताइए कैसे आपने अपनी ये लॉ की जर्नी स्टार्ट करी। लॉ मैंने, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, लॉ मैंने एक्सीडेंटली कर लिया। इन माय यूनिवर्सिटी डेज आई वाज एक्टिविस्ट। एक्चुअली आफ्टर डूइंग प्लस टू आई हैड टू ऑप्शन, ईदर टू ज्वाइन बीकॉम और टू बी ए। लेकिन मेरे दोस्त थे, वो आजकल सिंगापुर में है, जिन्होंने मुझे लॉ कराया, लेकिन वो खुद लॉ छोड़ के चले गए और अच्छी मैनेजमेंट कंपनी में है। तो उन्होंने फॉर्म भर दिया लॉ का और कहा कि चलो टेस्ट दे के आते हैं। तो हमने टेस्ट दे दिया LLB, BA LLB का, 5 years कोर्स का। तो इत्तेफाक से उसमें हो भी गया। तो उन्होंने कहा चलो लॉ करते, मैंने कहा चलो लॉ कर लेते हैं। तो ऐसा कोई कुछ ऐसा तय नहीं था, इट वॉज नॉट प्री डिटरमिंड कि आई हैव टू एक्सप्लोर करियर इन लॉ, बट इट ऑल हैपेंड। सो इट वॉज अ डेस्टिनी दैट विच टुक मी टू द डिग्री ऑफ कोर्स ऑफ एंड देन इवेंचुअली डिग्री ऑफ लॉ। भाई जैसे कि आपने बताया कि एकदम प्लान नहीं था आपका और एकदम से आपने कर लिया, तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपने करा और बखूबी किया, तो क्या आप लॉ करने के लिए दुनिया में आए थे या लॉयर बनने के लिए आए थे, ऐसा लगता है आपको? एक्चुअली हुआ क्या कि स्टूडेंट लाइफ में लॉ करते करते, लॉ में तो हमने कुछ ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई की नहीं, लेट बी अगेन क्वाइट ऑनेस्ट विथ यू, बीइंग ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, यू नो, फाइटिंग फॉर स्टूडेंट राइट्स विद इन द डेमोक्रेटिक फोल्ड, you know, struggling for restoration of students union, फिर union को बहाल कराना, students union को administration से, democratic agitation के बाद hunger strike and all that, you know, मैं 10-10 दिन hunger strike पे बैठा हूँ, अस्पतालों में admit भी रहा। तो उससे क्या हुआ कि एक public relations develop करने की skill आ गई, फिर election लड़ा, हारा, जीता, और बोलना आ गया थोड़ा बहुत, क्योंकि बिकॉज यू नो इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यू कैनॉट बी अ स्टूडेंट लीडर अनलेस यू आर यू नो एट पार ओरेटर, दैट्स राइट। तो उससे काफी वो हुआ, और फिर जब LLB कर लिया, हालांकि शुरू से जब यूनिवर्सिटी एक्टिविज्म पॉलिटिक्स में था तो मुझसे लोग यही एक्सपेक्ट करते थे कि कल को जब यहाँ से निकलेगा तो इलेक्शन लड़ेगा, MP MLA का कुछ भी करेगा, कहीं सियासत करेगा। लेकिन जब मैंने LLB कर ली तो मुझे लगा कि पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, हम उसको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उसको हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस स्ट्रगल को। तो हमने कहा चलो अब एक डिग्री है तो इसी की कुछ इसको कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करना शुरू की, मेहनत बहुत की, क्योंकि पढ़ा लिखा कुछ था नहीं स्टूडेंट लाइफ में, तो मेहनत करने के बाद उसमें मज़ा आने लगा। और जब किसी चीज़ में मज़ा आने लगे, व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर जॉब, then sky is limit, you know. तो फिर ऐसे ही चलता रहा और बस वकील बन गए। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया और ये पैशन आपको बाद में पता चला और उसी काम में आपको मजा आने लगा, क्यों फारूक भाई? आप ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब आपने शुरुआत की होगी, देखिए मैंने इस टॉपिक रखा है कि हाउ टू बिकम अ गुड लॉयर। अभी जो गुड लॉयर के जो टर्म है, ये तो एक प्रोसेस है, ठीक है, आप शुरुआत करते हैं, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जब आपने कोर्स ख़त्म किया और फिर आपने वकालत शुरू करी, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंजेस थे, आज भी हैं।
इवन आई सेड आई एम अ स्ट्रगलिंग लॉयर. सबसे शुरू के चैलेंज तो ये थे कि अंग्रेजी नहीं आती थी, यू नो, इट वाज अ, और इफ यू डोंट हैव कमांड इन इंग्लिश, इट इज एब्सोल्युटली टफ टू प्रैक्टिस लॉ इन दिल्ली और बॉम्बे और इन कलकत्ता, ऑल एटलीस्ट द बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज. यू नो, उसकी बहुत मेहनत करनी पड़ी. शीशे के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करते थे सुबह सुबह, मुझे वो दिन भी याद है. बोलना तो आता था पर अंग्रेजी नहीं आती थी. तो मैं सुबह उठ के आधे एक घंटे अखबार लेके और हिंदू अखबार लेके उसको, मुझे एक मेरे सीनियर थे उन्होंने कहा कि आप लीजिए और उसको तेज तेज पढ़िए, यू नो, इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो वो करते थे. फिर रेन एंड मार्टिन और हाउ व्हाट पावर रेड इजी, ये जो बेसिक अंग्रेजी ग्रामर की किताबें हैं वो ली, उससे पढ़ना शुरू किया, अखबार पढ़ना शुरू किया और वर्ड्स लिखते थे रोज एडिटोरियल में से. फिर उसको डिक्शनरी से देख के उसको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर उसको धीरे धीरे, क्योंकि बड़े बड़े जजमेंट सब, यू नो, बिकॉज लीगल इंग्लिश इज, यू नो, इज वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश. तो कोशिश की एक तो अंग्रेजी ठीक करने की, दूसरी जो मेरिट था, ये तो डिमेरिट था, मेरिट जो था वो था कॉन्फिडेंस. तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, कॉन्फिडेंस में कभी कोई कमी नहीं रही. तो हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, अंडर भी नहीं था, मतलब जो था वो था. तो लोग कहते थे कि भाई अच्छे अच्छे लोगों के पहले या जब आप शुरू में मुकदमा लड़ते हैं तो आपकी टांगे जो हैं वो लड़खड़ा जाती हैं. मेरी कभी नहीं हुई, खुदा का बड़ा शुक्र है मेरे साथ. तो बस ऐसे ही करते रहे. और प्लस स्ट्रगल दिल्ली में, मैं बिहार से हूँ, बिहार से आया हुआ बंदा दिल्ली में आके प्रैक्टिस करना, कोई आपको जानने वाला नहीं, कोई गॉड फादर नहीं, तो स्ट्रगलिंग था उस वक्त दिल्ली में. जब हम आए थे तो मेट्रो तभी तभी शुरू हुई थी 2007 में, हम लोग ब्लू लाइन बसेस से चला करते थे और कोट जो है ब्लैक कोट वो होता था, ब्लैक कोट पे पसीने के दाग लग जाया करते थे, पैसे नहीं थे. तो स्ट्रगल तो था, लेकिन उस स्ट्रगल में भी एक एक बहुत मैं कहूंगा कि एक सेंस ऑफ एंजॉयमेंट था, हमने उसे कभी स्ट्रगल के तौर पर लिया नहीं. तो हम आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और बहुत सेंस ऑफ प्रिविलेज आता है कि हम उस दौर से भी निकले. राइट. फारूक भाई, मैं ही बोलूंगा, जब आपके वक्त अच्छा होता है तो आपको वो वक्त वो शायद याद ना हो, लेकिन जब बुरे वक्त में होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो हमेशा आपके जहन में होता है और आप हमेशा उसको चेरिश करते हैं. देखिए जी, एक कामयाब आदमी के लिए और एक डिसिप्लिन्ड आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने स्ट्रगल का वक्त जरूर याद रखे. उससे इंसान हम्बल रहता है, उससे इंसान कभी एरोगेंसी उसके अंदर नहीं आती. और हम्बलनेस होना, जो रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेट है इंसानी फितरत का, ह्यूमन बिहेवियर का. और उसको ये कि आप बुरे और अच्छे को कह के, मैं उसको डिवाइड नहीं करता बुरा और अच्छा, वक्त वक्त तो वक्त है, वो क्या बुरा क्या अच्छा. मैं ये कहता हूँ कि वो एक टेस्टिंग टाइम है जिसपे आपकी जो एनर्जीज है, जो आपकी जो पोटेंशियल है, उसको वक्त ज्यादा टेस्ट करता है. राइट. तो जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप दार्जिलिंग में हैं, आप 20-24 डिग्री टेम्परेचर में हैं और आप दिल्ली आए तो यहाँ टेम्परेचर अभी तो बारिश हो रही है, वरना 44-45 चला गया था. तो ऐसा नहीं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी पर आप बर्दाश्त कर लेंगे. जी सही कह रहे हैं आप भाई. मान लीजिए अगर कोई 12th क्लास कर रहा है, कोई लड़का है या लड़की है, या उसने ग्रेजुएशन अभी कम्प्लीट किया हुआ है और लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या राय देना चाहेंगे, वो कौन से ऐसे कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं और अपने लॉ में अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, अगर किसी को लॉ में बहुत सारे करियर हैं, अब तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो गए हैं. पहले ज्यादातर वकालत थी, अब तो प्रैक्टिस है, उसके बाद जुडिशरी है, लोअर जुडिशरी जो होती है वो है, उसके बाद इन हाउस, चूंकि कॉर्पोरेट में इन हाउस लॉयर्स और पैनल लॉयर्स जो इन हाउस में होते हैं वो है, लीगल ऑफिसर्स जो होते हैं, बाकी सारी गवर्नमेंट कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में इन हाउस और लीगल ऑफिसर्स होते हैं, प्लस एकेडमिक्स है, आप लॉ करने के बाद एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, यू नो, तो बहुत सारे ऑप्शन है. लेकिन मैं अपने डिस्कशन का फोकस रखूंगा लॉयरिंग पे, क्योंकि मैं लॉयर हूँ तो मैं प्रैक्टिसिंग मैं लॉयरिंग की बात करूंगा. अगर आपने वकील बनना है, अगर कोई भी स्टूडेंट वो चाहता है कि मैं वकील बनूं, तो पहले वो ये देखे कि क्या वकालत का प्रोफेशन उसके लिए ठीक है, वो उसको अपने आप को कंफर्टेबल पाता है उसमें, और वो तैयार रहे स्ट्रगल के लिए और चैलेंजेस के लिए और जिंदगी भर पढ़ने के लिए और वक्त से पहले बूढ़ा होने के लिए.
राइट, तो ये जरा सा मुश्किलात है लेकिन मजा आता है। और उसके बाद क्या है कि वो अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं, बहुत बहुत प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और भी BHU है, AMU है, DU है, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई, बहुत लोगों ने आ समझ लिया कि नहीं मैं जब तक नेशनल लॉ से लॉ करके नहीं आऊंगा तो जब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप कहीं से भी लॉ करके आए, आई कैन शो यू एन नंबर ऑफ लॉयर्स, यू विल फाइंड ऑल टॉप शॉट लॉयर्स जो कहीं किसी छोटे कॉलेज से लॉ करके आए हैं। ये लॉ क्या है कि जो आप पढ़ के आते हैं और जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, राइट। सही हालांकि बात अब बहुत ज्यादा फर्क आ गया है, मैं है। इंटर्नशिप बच्चे करने आते हैं, हम देखते हैं कि वो मॉक 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 कोर्ट और मॉक ड्रिल और मूट कोर्ट और ये सारी चीजें करके आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस एक अलग एरेना है, एक अलग जिंदगी का एक अलग तजुर्बा है। तो आप कहीं भी से, जहां से आपको लॉ आपको मुनासिब हो, जहां आपका एडमिशन हो, ऑफ कोर्स यू हैव एवरी राइट टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट कॉलेज, बट इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस और टॉप 10 कॉलेजेस, यू शुड नॉट लेट यू नो योर सेल्फ डाउन। आप कहीं और से करें, जहां मिलता है अच्छे से करें, खूब मेहनत करें, पढ़ें और प्रैक्टिस में आ जाए। आने के बाद अच्छा सीनियर तलाशें और ट्रायल कोर्ट की प्रैक्टिस करें, यानी लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस करें, बहुत जी लाजमी है, बहुत जरूरी है। सीधे सुप्रीम कोर्ट ना देखें, हाई कोर्ट ना देखें, दिल्ली आए, अपने शहर में जाए, कहीं जाए, बॉम्बे जाए, कलकत्ता जाए, अपने शहर में आए, लोअर कोर्ट की प्रैक्टिस करें। मुकदमे की बुनियाद और वकालत की बुनियाद लोअर कोर्ट पर रखी जाती है, तो दो चार जी 5 साल वहां प्रैक्टिस करें, फिर जहां जाना है वहां। बहुत इम्पोर्टेंट आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, और मेरे ख्याल से ऑडियंस को ये नोट करना चाहिए, क्योंकि फारूक भाई के पास ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और उसी की बुनियाद पे ये सारी बातें बोल रहे हैं। आपने ये बात बोली प्रैक्टिकल की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मैं एक मेरी कलीग हैं, वो आजकल न्यूज़ एंकर है आपका आसाम में और दूरदर्शन के साथ वर्सेस एसोसिएटेड है, तो उन्होंने, उनसे कल बातचीत मेरी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम एक बार काजीरंगा में गए थे, फ्लड आए हुए थे, और जब हम जा रहे थे काजीरंगा में तो बीच में गाड़ी खराब हो गई और आसपास पानी था, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि बात तो आपको सही है, लेकिन ये सब तो हमें कभी बताया नहीं गया था जब मास कम्युनिकेशन कर रहे थे कि अगर हम इस सिचुएशन में होंगे तो कैसे हैंडल करना है। तो वैसे ही होता है, आपने बहुत सही बात की कि कई चीज़ें आपको ज़मीन में उतर के ही आपको समझ में आएंगी, वो ना कोई आपको स्कूल बताएगा ना कॉलेज बताएगा, वो जब आप ग्राउंड जीरो पे होंगे तभी आपके समझ में आएगा। आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए और वही चीजें आपको जो है वो सिखाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन तो आपको एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, जहाँ पे जी आप लोगों से सीखते हो, अपने टीचर से, फैकल्टी से, और पर्सनालिटी ग्रूम करते हो, एक फ्री इंक्वायरी की टेंडेंसी डेवलप होती है। लाइफ तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप जर्नलिस्ट हो, आप लॉयर हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई ये नहीं कह सकता कि उसे सब कुछ पता है। जिंदगी तो एक साइकिल है सीखने का, आप हर वक्त में कुछ न कुछ नया सीखते हो। हमारे प्रोफेशन में तो बहुत इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज आपने जो लॉ कॉलेज में जिन जजमेंट्स को पढ़ के और अपनी लॉ की थिंकिंग डेवलप की, कॉन्सेप्ट डेवलप किया, पता चला जब आप प्रैक्टिस में आए तो वो जजमेंट ओवररूल हो गए और कानून जी नया बन गया। तो जी अब तो आप बिल्कुल, तो लॉयर के लिए मैं कहता हूं कि जो तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट है वो क्या है कि अ पर्सन शुड हैव, यू नो, शुड हैव द एबिलिटी टू रिकैलिब्रेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तुरंत आप अपने आप को रिकैलिब्रेट कर लीजिए सिचुएशन के हिसाब से। तो वकील होने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यू यू मस्ट हैव दिस टेंडेंसी। और आपने वकालत की बात की, तो वकालत का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था अलीगढ़ में, लेकिन मेरा हुआ नहीं था। और वकालत जो है मेरा वन ऑफ माय फेवरेट प्रोफेशन है, और मैं बहुत चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और मतलब आप समझ लीजिए कि अच्छा प्रोफेशन है, और इसमें लोग अपना करियर बनाना चाहे तो बहुत ढेर सारी इसमें आपकी संभावना है। अब अपनी जॉब पे जब हम जाते हैं तो पहला दिन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो कौन सा आपका लम्हा था जिस दिन आप गए, आपने लोअर कोर्ट से शुरुआत की होगी, तो क्या थे, आपके पांव कांप रहे थे, आप नर्वस थे, कुछ अपना स्टोरी बता पाएंगे पहले दिन का काम? नहीं, नर्वस तो मैं कभी नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, मैं मतलब ये चीज से बचा हुआ हूँ, मुझे नर्वसनेस नहीं होती कभी भी किसी भी, आप मुझे किसी भी जी डाल दो सिचुएशन में, नर्वस नहीं होता। जी
हाँ कभी कभी स्ट्रेस होता है, मैं इंसान हूँ तो स्ट्रेस सबको होता है, पर नर्वसनेस नहीं होती। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब पहली बार पटियाला उस कोर्ट गए 2007 में, मेरा 7 जुलाई 2007 को मेरा सेवन 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 को मेरा इनरोलमेंट हुआ था। और उसके पहले भी हम कोर्ट जाते थे तो वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, और भी दोस्त थे हमारे साथ के कुछ जो हमसे पहले के अलीगढ़ से फारिग थे और जो आए हुए थे, उनके साथ बैठना, चाय वाय पीना और घूमते रहना, फिर एक सीनियर मिल गया उनके साथ काम करना। तो पहला जो काम मिला था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे फीस भी याद है, मुझे 100 रुपये फीस मिली थी उसकी, जो मेरी मेरी जाती फीस थी। जी मेरे एक सीनियर के चेंबर में एक एनजीओ था, उसके बायलॉज सीनियर ने बनाए थे और मुझे उन जी बायलॉज को प्रॉपरली उनके कंप्यूटर पे बैठ के चेंबर में, और मुझे उसको वो करना था, मतलब उसकी एडिटिंग वगैरह करके, और उसकी बेसिकली मुझे टाइपिस्ट का काम करना था, मुझे अलाइन करना था वर्ड में। तो वो सभी चीजें हमने दिल्ली आके सीखी थी, अलीगढ़ में तो हमने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था कैसा होता है। तो वो मैं कर रहा था, तो उन्होंने मैंने जब मैंने उनका काम कर लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाज द क्लाइंट ऑफ माय सीनियर नॉट माय क्लाइंट, तो उन्होंने खुश होके, जिनका काम था, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए। तो आई थिंक इट वाज प्रोबेबली अगस्त 2007, राइट, जब मैंने मेरी पहली फीस वो, तो वो 100 रुपये मेरे लिए बड़े यादगार हैं आज भी, बड़े इंपॉर्टेंट थे वो 100 रुपये। पहली कपाई हमेशा यादगार होती है। सही है भाई। और वो देखिए, 100 रुपए की कोई कीमत आज जी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो कितनी अच्छी मेमोरी है, और वो आपको खुश रखती है अभी भी। जी देखिए 15 साल बाद भी याद है और ताजिंदगी याद रहेगा इंशाल्लाह। भाई जैसे कि मैंने बताया था, ये तो एक जर्नी है, ठीक है। आप कुछ अच्छी चीजें करते हैं, आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो वो इनिशियल दौर में वो क्या क्या गलतियां थी जो आपसे हुई हैं, और आप राय देना चाहेंगे कि किसी और से वो गलतियां ना हो? जी गलती ये हुई कि हम टिके नहीं कहीं एक जगह। मैं टिके नहीं है कि मैं पहले आया, मैं प्रैक्टिस की, फिर कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया एक लॉ फर्म में, पैरालीगल की नौकरी की, क्लर्क की, फिर दोबारा इंडिया आया, फिर कभी इधर, कभी कॉरपोरेट, कभी ट्रेडमार्क, कभी ये। शुरू के 2-3 साल 4 साल बहुत वो रहा, मतलब पता नहीं था क्या जी करना है, टिके जी नहीं। तो ये मैं इसको गलती मानता हूँ अपनी। तो और मैं ये कहता हूँ लोगों से कि पहले एक मूड बना लें कि आपने ये करना है, तो उस पर जाके रह लें, कहीं भी आप किसी भी ज्वाइन करें सीनियर को, अनलेस की जी देर इज सम अदर कंपेलिंग रीजंस, यू नो, आप छोड़े मत। और पेशेंस, सब्र रखना बहुत जरूरी है। हमारे जी अंदर सब्र की कमी थी बहुत पहले, तो हम कभी इधर कभी उधर, बीच में बाहर, हम बाहर भी होके आ गए, वहां भी घूम के आ गए, देख जी लिया क्या है, फिर वहां दिल, जी जब वहां सेट होने लगे फिर इंडिया आ गए, यहाँ आके रहना है। तो जो जिसे कहते हैं ना कि एकाग्रता और एक कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, जो कि हम हमें बाद में मिली। तो मैं ये लोगों को ये कहूंगा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस करियर के इनिशियल लेवल में, लॉयरिंग में होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया आपने बात बोली, और मेरे ख्याल से ये भी बात नोट करनी चाहिए। आपने बात की स्ट्रेस की, मैं वो जानना चाहूंगा कि वो कौन से एस्पेक्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो लॉयर या फिर इस लॉ की फील्ड से जुड़ा हो, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। रियल टाइम डायनेमिकिज्म, रियल टाइम, मतलब जब आप एक इनडिफेंसिबल केस को डिफेंड कर रहे होते हैं, आपको भी पता है कि केस में डिफेंस नहीं है, पर आपको अड़ना है कोर्ट में, आपको मेहनत करनी है, आपको जस्टिस करनी है अपने काम के साथ, जी राइट। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े अच्छे जज थे, अभी रिटायर हुए, जस्टिस जे आर बिडा, दिल्ली हाई कोर्ट से, वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो उन्होंने अपनी फेयरवेल में अभी 2 महीने पहले एक बात कही कि इन कोर्ट ऑफ जस्टिस बोथ साइड्स नो द ट्रुथ, इट इज अ जज हु इज ऑन द ट्रायल। तो दोनों तरफ जो वकील खड़े हैं उनको पता है कि सच क्या है, बस जज को नहीं पता। तो जज एक्चुअली ट्रायल पे है, राइट। तो आप जब इनडिफेंसिबल केस को आर्ग्यू करते हैं तो बड़ा चैलेंज होता है। प्लस उसके बाद जब आप किसी मुकदमे के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एस्पेक्ट पे आर्ग्यू करते हैं, जब कोई किसी चीज को आप नए तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, अभी तक जो लॉ था वो ये था कि इस सेक्शन का, इस क्लॉज का, इस आर्टिकल का ये मतलब है, लेकिन आप उसको अपने फैक्ट में डिफरेंट इंटरप्रिटेट कर रहे हैं कि इसका एक पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ये भी है,
तो इसमें क्या है कि एक एक बहुत चैलेंजिंग काम है, और ये एक घंटे की या 2 घंटे की या एक दो रात या दिन की पढ़ाई से नहीं आता ये काम। ये जो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होते हैं ये प्रैक्टिस से होते हैं। दैट्स व्हाई वी से आप कहते हैं आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो, दैट्स व्हाई वी डोंट डू लॉ, वी प्रैक्टिस लॉ, राइट? एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो प्रैक्टिस करते रहिए और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहिए। आपने ये जो बात बोली मेरे एक जहन में आ गया, फिल्म का नाम जॉली एलएलबी। उसमें भी कुछ ऐसे ही जज ने बोला था कि बेटा हमें सब पता है क्या है, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। तो जज जो है वो सब जानता है और आप लोग भी सब चीज जानते हैं। मैं वो जानना चाहूंगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर बनाती हैं। ये बड़ा रिलेटिव क्वेश्चन है। इसमें इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिविटी, इसमें रिलेटिविटी आती है। इसमें सब्जेक्टिविटी, देखिए यहाँ पे बात ये है कि कौन ऑर्डिनरी है कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कोई इसका कोई बुक डेफिनेशन तो है नहीं। और ये और बात है कि भाई हम लोग जिन्हें टेलीविजन में देख लेते हैं, जिनका नाम अखबार में पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि भाई बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ऐसे अच्छे वकला मिलेंगे, लॉयर्स मिलेंगे जो मीडिया की नजरों से बहुत दूर हैं, जिनका काम सिर्फ कोर्ट जाना है, बहस करना, और शानदार वकील है, राइट? और वो बहुत मच सॉट लॉयर हैं। लोन नहीं है, उनको नहीं जानते, मतलब वो उनका काम, मतलब वो जिसे कहते हैं ना घर और दफ्तर और कोर्ट में है, उनकी जिंदगी जी जी महदूद है। जी तो देखिए ये कहना है कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी है, ये मैं इसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, किस्मत ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा डिसिजिव फैक्टर है, लेकिन आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना आपके अंदर जज्बा है, एक डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, ये इस बात को लेके बिल्कुल आप डिटर्मिंड हैं कि आपने अच्छा करना है। आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर इसका जो है अज्र और इसका जो रिजल्ट आपको आएगा। कुछ लोगों को जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों को देर में आता है, आता जरूर है। बस ये है कि कहने का मतलब ये, लगे रहो मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ आगे जाके हो ही जाएगा, रुको मत चलते रहो। यस यस। और जिंदगी में ऊंच नीच भी होती रहती है, कभी कभी ऐसे वक्त भी आते हैं कि बहुत अच्छे मुकदमे होंगे, आप हार जाओगे, फिर आपको अपील में जाना होगा। तो सिर्फ आप, यू नो व्हाट आई से, यू मस्ट बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन योर एफर्ट्स। बस आप अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट हो और सिंसियर हो, अपनी मेहनत करें। डोंट इन यू नो अगर एक लॉयर इस पे अपने आप को स्ट्रेस करने लगे केस के आउटकम पे कि मैं मुकदमा हार गया और जीत गया, तो वो जी नहीं पाएगा, वो रात में सो नहीं पाएगा। उसको अपने आप को केस से अटैच और डीअटैच करने की स्किल्स आनी चाहिए। उसके दिल में ये कन्विक्शन होना चाहिए कि वो जितना अच्छा कर सकता था उसने किया, बाकी क्या होगा, मुकदमा अच्छा होगा, लॉ आपके साथ होगा, यू विल गेट रिजल्ट। अगर मुकदमा ही अच्छा नहीं है, आप कितनी मेहनत भी कर लें, या कानून आपके खिलाफ है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी हुआ है कि हम मुकदमा जी लड़े हैं, अपना जाती बता रहा हूँ तजुर्बा, मैं एक ट्रेडमार्क का मैटर लड़ रहा था रजनीगंधा के अगेंस्ट, जो रजनीगंधा पान मसाला ग्रुप है इनके जी अगेंस्ट, जी और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर के सामने एक्सटेंसिवली 3 घंटे बहस की। दो, वो मेरा पहला रिपोर्टेड जजमेंट है, 2012 या 13 का होगा, 12 का गालिबन। और मैं इनडिफेंसिबल केस को डिफेंड कर रहा था ट्रेडमार्क में अपने क्लाइंट के लिए, और मैं लॉ वर्क अगेंस्ट मी, बट आई डिड अ वंडरफुल रिसर्च एंड मेरे, मतलब मैं मुकदमा हारा, उसके बावजूद जस्टिस मुरलीधर ने कोर्ट में मुझे ओपनली अप्रिशिएट किया कि यू हैव आर्ग्यूड वेरी वेल एंड यू हैव डन अ वंडरफुल रिसर्च। एक वकील के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मुकदमा हारने के बाद भी उसको तारीफ मिल रही है, राइट? तो हार और जीत क्राइटेरिया नहीं है, मुकदमे में आपने कितनी जान डाल दी ये क्राइटेरिया। बहुत पॉइंट की बात की और मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। ईमानदारी से बताऊं, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना हम लोग लंबा खींचें क्योंकि आपकी मसरूफियत रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी मजा आ रहा है। तो मैं एक एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ईमानदारी से अगर आपका जवाब आए और इसके बारे में थोड़ी सी कहानी भी बताइएगा, वो कौन सी ऐसी जीत थी जिसमें आपको लगा यार दिस इज इट, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, ये मेरी जगह है।
हाँ तो स्टूडेंट लाइफ में हम भी बहुत बार सस्पेंड हुए, जैसे डिस्टिगेट हुए, बीइंग अ स्टूडेंट यूनियन एक्टिविस्ट। मैं प्रैक्टिस में आने के बाद शुरू में ही मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। उनके एग्जाम एग्जाम थे, तो मैंने उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मैंने हिट फाइल की। और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं ही सस्पेंड हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस चीजों से बहुत मैं गुजर चुका था इन चीजों से ना। तो मैं उस मुकदमे में बहस कर रहा था, मैं मुझे लगा कि मैं उन लड़कों की अपनी बहस कर रहा हूँ, मतलब मैं उस मुकदमे में घुस गया बिल्कुल। और दिल्ली हाई कोर्ट में था, एंड मैंने करा लिया, उनको एग्जाम देने की परमिशन दिला ली। तो उस दिन मुझे बहुत तसल्ली मिली, मुझे यार मजा आ गया। अच्छा कुछ चीजें और कब होती की हैं जो बात आप है ये? अपने मतलब लिए इन्वेस्ट शुरुआत में कर लेते हैं। 2007 2008 की बात है? नहीं ये नहीं, 2009 या 10 की बात होगी, अच्छा 9 या 10 की गालिबन बात होगी। फारूक भाई, जब हम किसी फील्ड में जाते हैं, अमूमन अगर कोई क्रिकेटर बनने वाला होता है तो सचिन को आइडियलाइज करता है, या फिर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, महेंद्र सिंह धोनी हो गए। जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो मैं पंकज पचौरी को बहुत देखता था, या बरखा दत्त को देखता था, या रजत शर्मा को देखता था। जब आप लॉ कर रहे थे तब आप किसको मानते थे कि भाई मुझे इसके जैसा बनना है, इसके जैसा काम करना है? मैंने ऑनेस्टली कभी ये गोल सेट नहीं किया जिंदगी में, नेवर। और थोड़ा सा अजीब लगेगा, पहली बात जब हम लॉ कर रहे थे तो हमें वकालत करनी नहीं थी, अच्छा वकील तो हम बाई एक्सीडेंट हो गए। और जी प्रैक्टिस में आने के बाद भी हमने कभी नहीं देखा कि इनके कपिल सिब्बल साहब जैसा बनना है, जिन जैसा बनना है, क्योंकि हर आदमी अपने आप में अलग है। मैं हाँ, यू कैन ऑलवेज टेक एन इंस्पिरेशन की, जैसे हम लोग जब कोर्ट में होते थे, फ्री होते थे, तो जाके बैठ जाया करते थे और लोगों की बहस सुना करते थे कि आज कपिल सिब्बल साहब बहस कर रहे हैं, आज राम जेठमलानी साहब बहस कर रहे हैं, आज के वेणुगोपाल साहब बहस कर रहे हैं। सुनते थे कि यार ये कैसे बहस करते हैं, इनका स्टाइल क्या है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि इनकी तरह बनना है, क्योंकि पता नहीं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। हर इंसान अपने आप में यूनिक है, जी खुदा ने हर आदमी को अलग बनाया है, सबकी शक्लें अलग हैं, सूरत अलग है, मिजाज अलग है, राइट। तो आप इंस्पिरेशन तो ले सकते हैं प्रोफेशनल, पर कभी ये मत सोचे कि मुझे इन जैसा बनना है। नो, आप अपने पोटेंशियल को, अपने स्किल्स को हार्नेस कीजिए और वो काम कीजिए जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता और आपको खुशी आती है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी मिल गई तो आप अपने आप में बहुत कामयाब हो। फारूक भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है। मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कोई एस्पिरेंट है या फिर लॉ का स्टूडेंट, अगर वो हियरिंग सुनना चाहता है या जाना चाहता है, तो वो कैसे जा सकता है? वो कौन सा उसको अप्लाई करना पड़े किसी चीज़ के लिए? देखिए आजकल तो वर्चुअल कोर्ट्स चल रही हैं, तो आजकल तो खैर इंट आप सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में वैसे अलाउ तो नहीं होता, तो अगर आप इंटर्न्स वगैरह को अभी, लेकिन जब फिजिकल कोर्ट्स चलती हैं और आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखनी है, तो बच्चे आते हैं इंटर्नशिप में, तो हम लोग भी उन्हें कोर्ट भेजते हैं, साथ लेके जाते हैं, तो पास बनता है उनका और पास इंटर्न जाते हैं, वो जाके बैठ सकते हैं, देख 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 सकते हैं प्रोसीडिंग्स। और किसी को ऐसे प्रोसीडिंग्स देखनी है तो वो ये, या तो वो इंटर्न होगा वो देखेगा, और या वो केस में पार्टी है तो वो देखेगा, तो वो जाके प्रोसीडिंग्स, उसके लिए पास वगैरह की कार्रवाई होती है, वो करके आप कोर्ट में जाके बैठ के प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं। फारूक भाई, अगर आपके अंडर किसी को कुछ इंटर्नशिप करनी हो तो कैसे कर सकता है अप्लाई? क्योंकि आप तो एकदम हाँ सीनियर नहीं, आदमी हैं और इंटर्नशिप तजुर्बा बहुत जी, है आपके पास। जी नहीं, हमारा हमारी फर्म में दीवान जी एडवोकेट्स में जी इंटर्नशिप का एक पूरा डेस्क है, और जी जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ इंटर्नशिप करने पे, वो हमारी वेबसाइट divanadvocates.com पे जा सकते हैं। उस पे इंटर्नशिप का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पे वो अपना सर्कुलम वीटे, सीवी और रिज्यूम वगैरह जो भी है वो फिलअप कर दे, मेल भेजे, और फिर हमारी जो अप्रूव, क्योंकि देखो जगह हमें रिक्वेस्ट जी बहुत आती है, स्लॉट्स कम होते हैं, तो हम उसी में, मतलब हम लोग, हमने कोई उसका क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे रखे हुए हैं। जैसे हमारे पास 10 सीटें हैं एक सेशन में, तो जो दस जी पहले आ गए उनको हम ले लेते हैं। हमने कुछ ये नहीं रखा है कि कोई वो लॉ कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, यहाँ का हो, जो पहले आ गया उसको हमने ले लिया। हाँ तो आप अप्लाई करें, और अगर आप फर्स्ट कम पे, तो जो भी अप्लाई करता है उसको हम सिलेक्ट करके और वो आ जाए, 1 महीने की, 3 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, जो भी प्रोग्राम है उसकी इंटर्नशिप करा दें। बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, और आपने नोट कर ली होगी सारी इन्फॉर्मेशन। बस आखिरी सवाल,
और मेरे ख्याल से ये आपने कई बार रिपीट भी किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि आप 2 मिनट लें और वो बताएं एडवाइस क्या देना चाहेंगे कि जब कोई अपना करियर देखना चाह रहा है। अगर कोई अपना करियर लॉ में देखना चाह रहा है, खासतौर से लॉयरिंग में, मैं जुडिशरी की और एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो पहले वो चीज़ों को इवैल्यूएट करे, सेल्फ इवैल्यूएट करे, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें, जैसे होता है ना कि आप जब अभी लॉ के फर्स्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, और आपको सीधे जो है वो हरी सालवे साहब दिखाई देने लगे कि मुझे जो है वो हरी सालवे जैसा बनना है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं, आप हरी सालवे से अच्छे बने, उनसे भी अच्छे बने, और वो भी बहुत खुश होंगे कोई उनसे भी अच्छा बने, बहुत लोग अच्छे हैं। लेकिन आप, जैसे मैंने कहा कि आप एक अलग, हर हर इंसान अपने आप में एक अलग है, तो आप पहले ये इवैल्यूएट करें कि आप इस प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो प्रोफेशन है उसके लिए आप सही मटेरियल है या नहीं है। जब आप लॉयरिंग में आए, सबसे पहले आप ये देख लें कि वक्त नहीं होता, ये 9 to 5 जॉब नहीं है, ये 24 आवर्स जॉब है। रात के 12 बजे भी आपको उठ के पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है, रात के 2 बजे भी कोर्ट लगती है जाना पड़ सकता है, आप अपना टेलीफोन बंद नहीं कर सकते कब किस, क्योंकि ये एक, जैसे डॉक्टर्स, जैसे अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी होती है, कैजुअलिटी, वैसे वकालत में भी ओपीडी और कैजुअलिटी होती है। ओपीडी तो ऑफिस है, आप जब लोग आए, चैम्बर्स आए, मिले, रात में किसी को पुलिस ले गई तो इमरजेंसी है, तो आपको रात में 2 बजे उठ के जाना है, कहीं रेड पड़ गई आपको जाना है, जहाँ आपको जरूरत है। तो दूसरी बात ये कि डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, जो मेरा अपना तजुर्बा है, हालांकि बहुत लोग इससे डिफर करेंगे, अपने लिए वक्त नहीं बचता। मतलब आप इतने ज्यादा, आपको कभी कभी डिवोशन देनी पड़ती है, यू वोंट गेट, मतलब आपको अपने ज्यादा काम के लिए वक्त नहीं मिलेगा कभी कभी। तक ही ऐसा होता है कि हमें सैलून जाना है, अपने बाल कटवाने, दाढ़ी कटवाने, तो हम कभी कभी 2 2 हफ्ते नहीं जा पाते, हमें इतना वक्त नहीं मिलता, जबकि ऑफिस और घर के बराबर में है, सही बात है। राइट? तो ये, हालांकि बहुत लोग ऐसे नहीं, बहुत लोग जो अच्छे से प्लान करते हैं उनका हो भी जाता है। तो ये इन चीजों को आप इवैल्यूएट कर लें, फिर आपको लगे कि नहीं, हाँ, मजेदार प्रोफेशन बहुत है, मजा बहुत आएगा, सुनने किसी का आपको है नहीं, और लॉयर में कॉन्फिडेंस होता है, मतलब भाई लोग, जैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आईपीएस हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं जब वकीलों से मिलता हूँ तो मुझे बड़ी मुश्किल होती है, उन्हें क्यों, कह रहे यार आप तो झूठ भी बहुत आंख में आंख मिला के बोल देते हो। ऐसे तो ऐसा नहीं है। और फिर लोग, आजकल आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं, लॉयर नहीं, आप तो लायर हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब झूठ कौन नहीं बोलता यार, किस प्रोफेशन झूठ नहीं बोलते लोग, बात झूठ सच की नहीं है, बात एक निगेटिव, बहुत, जैसे वकील है तो उससे बात नहीं करेंगे, उससे डरेंगे, अरे मेरा वकील पड़ोसी है, छोड़ो से कौन अड़ने जाए, ऐसा नहीं है, वो भी आपके समाज के, हाँ, हर जगह पे कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं, राइट, हर कम्युनिटी में, हर प्रोफेशनल कम्युनिटी में होते हैं, तो उससे नहीं घबराना। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप मेहनत करें, और अगर आपने, मजा आता है सामने, तो आ जाए और प्रैक्टिस करें, और फिर पीछे मुड़ के मत देखें, लगे रहे, अपने आप को बिल्कुल डिवोट कर दें, और इसमें अगर आपको मजा आने लगा तो फिर आप कुछ करेंगे भी नहीं। और बहुत बेहतरीन बातें आपने बोली हैं और बहुत काम आने वाली हैं, और लोग आपको बहुत दुआ देंगे, कसम से मैं बता रहा हूँ आपको। बस यहीं पे हम अपना जो शो है वो ख़त्म करते हैं। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल हो वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं फारूक भाई से पूछ के रिप्लाई कर दूंगा, जो भी होगा। फारूक भाई, कैसा लगा आपसे, आपको बातचीत करके इस शो पे? ये बहुत मजा आया, और बड़ी आपने इनफॉर्मल डिस्कशन की, जिसको डिस्कशन कहते हैं, वरना नॉर्मली लेक्चर्स वगैरह तो बड़े बनावटी हो जाते हैं, सॉरी टू से दिस, आर्टिफिशियलिज्म आ जाता है उसमें, तो ये बड़ा नेचुरल फ्लो था। और मुझे लगता है कि इंसान, अगर हम, एक होता है ना डिबेट करना और एक होता है इंट्रैक्शन करना, तो इंट्रैक्शन करने में क्या है कि नेचुरल फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं, तो आपने सवाल भी वैसे पूछे जो बिल्कुल नेचुरल, उसमें उसमें कोई बनावट आ ही नहीं नहीं सकती है। और मैंने कोशिश ये की कि उसमें जवाब ही बनावटी न दूं आपको। एकदम नेचुरल एकदम लगा मुझे। फारूक भाई, मैं चाहूंगा फ्यूचर में कि कुछ ऐसी स्टोरीज आप शेयर करें जिससे लोग सीखें भी, और लोगों को एक पता चले कि भाई प्रोसीडिंग एक्चुअल में हो किसी कैसे। मुझे पता है बहुत मसरूफ है, लेकिन कभी फ्यूचर में अगर मौका मिला तो एक आध सीरीज कर लेते, ताकि लोगों को अच्छा लगे और उनको कुछ सीखने को मिले।
नहीं बिल्कुल, और आप जब भी कहेंगे मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और बाकी मैं आपके व्यूअर्स को ये भी कह सकता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे हमारा एक ब्लॉग है जी divaneadvocates.com पे, वो ब्लॉग रेगुलर अपडेट होता है, और ब्लॉग में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लॉ की है वो हमारे ऑफिस से वो अपलोड होती रहती है। जी प्लस मैं, अगर मुझे कोई फॉलो करे सोशल मीडिया पे, तो मैं आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता जी है महीने में एक दो जी आर्टिकल्स लिख ही देता हूँ, तो नई नई चीज़ों पे, नई डेवलपमेंट्स पे जो लॉ पे हुआ है वो देखें। और भी बहुत सारे आजकल मीडियम्स हैं, जर्नल्स हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक आपके सजेशन की बात है, बिल्कुल आप कोई सीरीज करें, और उस सीरीज में अगर किसी को बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम करते हैं इंशाल्लाह। जरूर। और ये बात मिलके, बाप की सुन के बहुत मोटिवेशन मुझे महसूस हो रहा है, और यहीं पे अपना शो हम खत्म करेंगे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया फारूक भाई, मुझे पता आपका वक्त बहुत कीमती है। बहुत चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू। जी, आप भी अपना ख्याल रखिए, और दर्शक आप भी अपना ख्याल रखिए। हम यहीं पे अपना शो खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।